दर दर भटक रहे युवक को न्याय दिलाने महासमुंद पहुंची डीसीपी 24 की टीम। आप देख सकते हैं दोपहर के 1 बजे हैं, कड़ाके की गर्मी है और हम निकल गए हैं ऐसे सफर पर जो महासमुंद की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे महासमुंद का बोर्ड लगा है। हम उस स्टोरी पे, हम उस खबर के लिए जा रहे हैं जिसकी शुरुआत हमारे डीसीपी 24 न्यूज के ऑफिस से शुरू हुई। दबंगों से पीड़ित लोगों ने बताया अपना दर्द। अनेक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहा था, वहाँ भी जाकर तोड़फोड़ किया है। 2,76,00,000 का घोटाला हो गया, झंझट लड़ाई होने उसके बाद आज बेरोजगार हो गए हैं। जी हाँ, आज हम पहुँच गए हैं महासमुंद के उस कार्यालय पे जिसकी बात हमने पहले ही अपने दफ्तर से खबर के माध्यम से आपको दिखाई थी। अब हम पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ गाड़ीवान हमाल रेजा मजदूर महासंघ के दफ्तर पहुंच गए हैं। इन मजदूरों की, इन संगठन के लोगों की क्या समस्या है वो जानने के लिए, इस संगठन को आखिर सरकार ने क्यों ब्लैकलिस्टेड किया है, क्या मामला है, ये समझने के लिए हम पहुंच गए हैं। तो अब हम चलते हैं संगठन के दफ्तर में, कार्यालय में, जहाँ पे लोग, यहाँ संगठन के लोग बैठ के अपने संगठन के कार्यों को प्रगति देते हैं। उनसे जानेंगे कि इस संगठन को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या है पूरा मामला, उनसे ही जानेंगे उनके संगठन को लेके किस किस तरह की दिक्कतें आ रही है। हमारे साथ उपस्थित है संगठन के अध्यक्ष विकास जी। विकास से जानेंगे कि संगठन का पूरा मामला क्या है, क्या परेशानी आ रही है। सर, अभी ये टोटल परेशानी इस बात की आ रही है सर कि इससे पहले जो अध्यक्ष लोग थे वो बिल्कुल अंगूठा छापते सर, उन लोगों होता नहीं। और मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है सर, इससे ना सामने वाले जो प्रतिवादी लोग हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरे को यहाँ से पद से हटाना चाहता है, और ताकि इस केस को कोई लड़ने वाला नहीं रहे और ऑटोमेटिक ये छत्तीसगढ़ गाड़ी वाहन का नामो निशान यहाँ से बंद हो जाए। कुल मिला के समझ में ये आ रहा है कि संगठन में सभी लोग जो हैं अभी तक के अशिक्षित थे, अशिक्षक कार्य चलते वो उनके बरगलाने में चले जाते थे, जिसके चलते इनका वो मन मुताबिक अपना फ़ायदा उठा लेते थे। अभी जो विकास कुमार जी जो अध्यक्ष हैं, ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के चलते इनको वो चाहते हैं कि जो विरोधी हैं वो चाहते हैं कि ये पद से हट जाएं, इनसे समझते हैं कि इनको किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पूरे मामले में। सर, अभी तो मेरा फ़िलहाल काम से तो कोई काम ही नहीं दे रहा मेरे को, और जहाँ से सर अगर जो राशन कार्ड है सर नागरिक आपूर्ति निगम से, वहाँ से मेरे को बंद कर दिया गया है। ऐसा मेरे को पूरा बनाया जा रहा है कि जाके तू बादल के चमचागिरी कर, तब तेरा सब चीज़ यहाँ रोजा गुजारा होगा, बाकी में तू कहीं नहीं पल पाएगा। या तो फिर एक दूसरी ऑप्शन ये है कि केस को वापस ले ले, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मेरे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है सर। आप लोगों की कंपनी को कब से ब्लैक लिस्टेड किया गया है FCI के द्वारा, जिसके तहत आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है? अच्छा सर, हमारे जो फॉर्म है उसको ब्लैक लिस्ट सर 2018 में ही कर दिया गया था सिविल कोर्ट से, उसी के नाम से हुआ था सर। FCI ने इनके कंपनी को, इनके संगठन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, जिसके तहत इनको काम नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिलने से ये लोग आर्थिक तंगी का, आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। हम और भी जानेंगे, संगठन के लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मामला है और ये किन किन तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं, आप बताइए, आप बुजुर्ग लग रहे हैं, लगता है आप संगठन में पहले से जुड़े हुए होंगे जी। क्या है पूरा मामला? मैं मणिराम यादव हूँ मेरा नाम, और 2014 में अपन लोग राजिम का टेंडर भरे थे, और उसमें FCI हमको बोला गया था कि आप लोग ब्लैक लिस्ट नहीं हो, तो हम लोग टेंडर भरने के लिए पैसा उछा करके जुगाड़, 26,00,000 का जुगाड़ करके DD भरे थे। बाद में गए हमको काम दो करके, तुम्हारा काम मिल जाएगा लेकिन तुम्हारे ऊपर रिकवरी है करके जानकारी देते हैं। उसके बाद हम लोग सोचे क्या रिकवरी निकल गया हमारे पास करके, बताया कि इतने इतने पैसे का तुम्हारा घोटाला हुआ है और निकाल लिया गया है पैसा। हमारे अधिकारी को बोले आके, व्यवस्थापक को बोलता है, व्यवस्थापक पैसा उसका जुड़ी पप्पू का है, उसको निकाल के मैं दिया हूँ पैसा को, अब वो देगा तब दूंगा, नहीं देगा तो मैं कहाँ से दूंगा, बोले। तो इसको बार बार बोले अपन
कि पैसा हमारा नहीं था तो हमारे खाते से क्यों निकाले गए पैसा, को वो अपना टेंडर लिया था तो अपना निकालना था उसको, माना नहीं। वैसे ऐसे कर उड़ा के पूरा 2,76,00,000 रुपये का अपन ऊपर गबन का ये निकाल दिया। और एक ज़माने में जुड़ी पप्पू जो था वो एक गाड़ी का मालिक था और टेंडर वेंडर का काम उसके पास नहीं था, सिर्फ गाड़ी इंजन वाले ही टेंडर का काम करते थे, वेयर हाउस का टेंडर लेते थे, धान फड़ का टेंडर लेते थे, व्यवसायी का भी टेंडर लेते थे, सब का टेंडर अपन लोग थे। और अब भी एक बार आया बोला नारायण मैं राजीव का टेंडर ले चुका हूँ, मेरे काम को आप देखना। तो बोलता है भैया मैं अपना काम से ही बिजी हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं किसी को आपको काम को दिखला दूँगा बोला। तो वही समय से फिर जुड़ी पप्पू को जोड़ा नारायण, और जोड़ने के बाद में फिर उसके बाद में वो टेंडर वेंडर में जो राजीव का पैसे का बिल आता था उसका तो हम लोग को देता था, और हमारा महासमुंद का टेंडर था तो परमेंट करने के लिए उसको देता था। तो हम लोग समझ नहीं पाए क्या मांग रहा है, उसका परमेंट ये करवा रहा है, हमारे परमेंट को उसको दे रहा है करके। फिर धीरे धीरे पता चला कि यही मांग रहा है, 2,76,00,000 का घोटाला हो गया, झंझट लड़ाई होने उसके बाद आज बेरोजगार हो गए हैं। आप बीती बता रहे हैं किस तरह से इन लोगों के साथ में ठगी का ये शिकार हुए हैं। 2010-12 का ये मामला है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे फर्जी बाड़ा करने का मामला है, ये बड़े घोटाले के चक्कर में फंस गए हैं। ये सीधे साधे भोले भाले दिखते हैं, मजदूर हैं, कामगार हैं, इनके हाथ से काम छीन गया है, और जो दबंग हैं जो इनसे काम छीन लिए हैं आज वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल रहे हैं, और ये परेशान दिख रहे हैं। आप इनके चेहरे देख सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है, किस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले लंबे समय से विकास कुमार का राशन दबंगों के दबंगई के चलते बंद कर दिया गया था, जिसे आज TCP 24 न्यूज के छानबीन करने व अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने के बाद, मामले को समझने के बाद तुरंत मौके पर राशन कार्ड का तुरंत निदान किया गया। आप देख सकते हैं राशन कार्ड अधिकारियों के द्वारा मौके पर तुरंत बनाया गया है और विकास कुमार को उपलब्ध कराया गया है। ये मामला काफ़ी दिनों से लंबित था, जब ये मामला TCP 24 के संज्ञान में आया अधिकारियों ने तुरंत शक पकाते हुए राशन कार्ड विकास कुमार को इशू कर दिया है। हम विकास कुमार से जानते हैं कि आखिर क्या था ये राशन कार्ड का मामला। राशन कार्ड मेरा बंद कर दिया गया हुआ था सर, और जिसकी कंप्लेंट मैं वहाँ के प्रभारी को दिया हुआ था, CMO सर को, और उसके बाद आप लोगों के आए तो साथ में अभी आप लोगों के सामने में ही दिए गया सर राशन कार्ड में। ये देख सकते हैं विकास कुमार ने राशन कार्ड बंद किए जाने का क्या मामला था उन्होंने बताया, और अधिकारियों ने हमारे जानकारी के बाद, मौके से चर्चा करने के बाद किस तरह से तुरंत मौके पर राशन कार्ड इशू किया, ये भी हमने आपको बताया। मजदूर हमाल संघ के मामले पर आज हम महासमुंद पहुंचे हैं। विकास कुमार ने पिछले 2 महीने पहले SP को शिकायत दिया था, उस शिकायत पर क्या हुआ, क्या जांच हुई, यह जानने के लिए आज हम पुलिस कप्तान के कार्यालय पहुंचे थे, जहां कप्तान उपस्थित नहीं थे। तब हमने उनसे फ़ोन पर जानकारी चाही, फ़ोन पर बातचीत करनी चाही, तो उन्होंने जो जवाब दिया वह गैर जिम्मेदाराना कहा जा सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा मामले पर जाँच चल रही है, जैसे ही कुछ हो जाएगा पता चल जाएगा। पूरे मामले में विकास, SP कार्यालय, थाना प्रभारी, राजधानी के संबंधित अधिकारियों के पास, CBI कोर्ट में, FCI के पास, सभी पहलुओं पे लगातार न्याय की गुहार कर रहा है। आखिर में इतने के बाद भी अगर विकास को न्याय नहीं मिलता है तो वो क्या कदम उठाएंगे, हम जानते हैं विकास कुमार से। ये सब चीज़ का मामला है सर, मैं माननीय भूपेश बघेल जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो घटना हो रही है उसकी मैं जानकारी मैं दूंगा, और तब भी अगर नहीं होता है सर तो अंततः मेरे को इच्छा मृत्यु की मांग ही मैं करूंगा ही सर। ये है विकास कुमार जो बोल रहे हैं कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो आगे वो इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हैं। तो आज हम हमाल संघ की पूरे मामले को जानने महासमुंद पहुँचे, जहाँ हम उनके कार्यालय भी पहुँचे
और नगरपालिक निगम भी पहुँचे और पुलिस कप्तान के दफ्तर भी पहुँचे। हालांकि इस बीच पुलिस कप्तान मुलाकात तो नहीं हो पाए, पर हमने उनसे फ़ोन पर चर्चा अवश्य किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन पूरे मामले पे हमाल संघ को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। ताज़ा एवं अपडेट खबरों के लिए बने रहें TCP 24 न्यूज़ के साथ।